Hello children, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will learn the chapter number 14 of your Environment Science textbook. The lesson name is We Need Them. So from the name itself, you will come to know that in this chapter we will learn about our helpers. तो आपको we need them जो statement है इससे ही आपको पता चल गया होगा कि हम इस chapter में हमारे helpers के बारे में पढ़ेंगे. So you have already learned about our helpers in your previous class. आप आपके छोटे class में already आपने helpers के बारे में पढ़ा हुआ है. तो आपको पता है कि morning से लेकर रात तक आपको हर एक समय आपको कोई ना कोई helpers का ज़रूरत पड़ते हैं. Okay, so early in the morning you need the helping hand of your milkman and your newspaper delivery boy. Then you need help of your shopkeeper. Then you need help from your teacher, your barber. Barber is there. Then you need help from your gardener. You need help from your housemaid, isn't it? तो आपको बहुत सारे helpers हैं जो आपको help करते हैं. And sometimes you need help from a doctor, then police, then your fire brigade, fireman. Okay, so you can see that in your day-to-day life, so many helpers are there who are helping you. So people who help to make our lives comfortable and easy are our helpers. So if helpers are not helping us, then our life becomes very difficult, isn't it? So that you can lead your life comfortable and easy, so helpers are always there to help you. So in this chapter we will learn about the helpers who are helping you in your life. Okay, so let us see people who help us. First picture is of a gas delivery boy. So you always see him, isn't it? Whenever your cooking gas gets over, आपका जब भी गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाते हैं उस समय आपकी मम्मी क्या करती है? आपकी मम्मी गैस ऑफिस में बुकिंग करती है कि हमारा कुकिंग गैस ख़त्म हो गया है और आपको हमारे लिए नया सिलेंडर लेकर आना पड़ेगा. तो जैसे ही आपका बुकिंग होता है उस समय क्या देखते हैं कि गैस डिलीवरी बॉय आपके लिए जो सिलेंडर होता है फिल्ड सिलेंडर ओके वो लेकर आपके घर में पहुंच जाते हैं और फिर आपको फिल्ड सिलेंडर देके जो एम्प्टी सिलेंडर आपके घर में रहता है वो लेकर चले जाते हैं. तो ही इज़ हेल्पिंग अस इन डिलीवरिंग आवर कुकिंग गैस टू आवर डोर स्टेप. आपके एकदम घर के दरवाजे पर वो आपके लिए सिलेंडर लेकर हाजिर हो जाता है. तो आपको पता है यदि गैस डिलीवरी बॉय आपके लिए गैस नहीं लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपको खाना नहीं मिलेगा, आपकी मम्मी अच्छे अच्छे डिशेस नहीं बना पाएगी. तो इसलिए गैस डिलीवरी बॉय आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर बाबर हु इज़ कटिंग योर हेयर एंड ही इज स्टाइलिंग योर हेयर, इज़न्ट इट? सो बाबर हेल्प्स यू टू कट योर हेयर एज वेल एज स्टाइल योर हेयर. Then you have greengrocer. Greengrocer means those who are selling vegetables. Greengrocer means sabji wala, jo ki sabji or fruits sell karta hai. Unhe hum kya bolte hain? Greengrocer. Okay? Then you also need mechanic in your life. That is in your day-to-day life. Because if sometimes you need to take
योर व्हीकल, दैट इज़ आपके जो पापा के पास गाड़ी है, तो आप यदि कहीं जा रहे हो तो आपका गाड़ी कभी ख़राब हो गया है तो आपको क्या करना पड़ता है, मैकेनिक बुलाने पड़ते हैं। मैकेनिक क्या करता है, आपके जो भी गाड़ी है कि बाइक है कि स्कूटी है वो रिपेयर करके आपको दे देता है, सो दैट यू कैन एन्जॉय योर राइड। ओके, द नेक्स्ट पर्सन इज योर कुरियर पीपल, कुरियर बॉय, सो यू मस्ट हैव सीन हिम ऑलवेज, ही इज कमिंग अप इजंट इट, अमेज़न से डिलीवरी लेके आता है ना, आपके घर में भी आया होगा। सो कुरियर बॉय ब्रिंग्स योर लेटर, पार्सल एंड अदर थिंग्स टू योर होम, सो वॉट एवर यू आर ऑर्डरिंग दैट थिंग्स ही ब्रिंग्स टू यू। ओके, तो पोस्टमैन जो होता है वो भी आपके लिए लेटर और पार्सल लाता है, कुरियर बॉय जो होता है वो भी आपके लिए लेटर और पार्सल लाता है, लेकिन पोस्टमैन और कुरियर बॉय में क्या डिफरेंस है, पोस्टमैन वो क्या करता है, वो आपके हमेशा उनका एक खाकी कलर का ड्रेस होता है, बट कुरियर पीपल डोंट हैव एनी प्रॉपर ड्रेस कोड। ओके, सो बोथ आर द पीपल आर ब्रिंगिंग योर लेटर्स एंड पार्सल टू योर होम। नेक्स्ट हेल्पर इज योर पॉटर, पॉटर व्हाट ही इज डूइंग, ही इज मेकिंग पॉट्स फ्रॉम डिफरेंट शेप और डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एंड ही इज यूजिंग क्ले टू मेक द पॉट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर कॉबलर, कॉबलर इज स्टिचिंग एंड मेंडिंग योर शूज़, तो कॉबलर आपको पता है कि ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू इफ एट ऑल यू हैव सम प्रॉब्लम विथ योर शूज़, तो कभी भी आपके शूज़ फट गए हैं या आपको नए जूते लेने हैं तो आप कॉबलर के पास जा सकते हो। देन टेलर, टेलर इज ऑल्सो a great helper to you because he is stitching your clothes. So आपको जब भी आपको कोई भी cloth को stitch करना है तो आप हमेशा टेलर के पास जाते हो और उसे कहते हो कि मेरे लिए मेरे size के और style वाले fashion designer जैसे clothes बनाकर दीजिए, है ना, तो tailor भी आपके लिए बहुत ही great हेल्पर है। देन यू हैव योर हेल्पर लाइक मेसन, मेसन क्या करता है, देखिए वो बिल्डिंग में जो सीमेंट और जो ब्रिक्स के काम होते हैं ना उस समय मेसन्स आर देयर हु आर डूइंग दिस वर्क, सो जब भी आपको रेती बाली या सीमेंट ब्रिक्स का काम करते हैं तो उन लोगों को हम मेसन करते कहते हैं, ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन बिल्डिंग अ हाउस। देन कारपेंटर, यू ऑलरेडी नो कारपेंटर मेक्स फर्नीचर फ्रॉम द वुड, ही मेक्स योर डिफरेंट फर्नीचर्स, टेबल्स, चेयर्स, एवरीथिंग इजंट इट विद द हेल्प ऑफ वुड। देन यू हैव प्लम्बर, प्लम्बर व्हाट ही डज, ही फिक्सेस एंड रिपेयर्स द वाटर पाइप्स एंड टैप्स ऑफ योर हाउस, तो कभी जब भी आपके घर में कोई वाटर का प्रॉब्लम हो या आपके टैप्स का नल में कोई प्रॉब्लम हो तो हमेशा आप किसको बुलाते हैं, प्लम्बर को, तो वो क्या करता है, वो आके जो भी टैप है कि कोई भी पाइप है उसे वो फिक्स कर देता है और रिपेयर भी कर देता है। फिर आपका ग्रेट हेल्पर है आपका इलेक्ट्रिशियन, जो आप के लाइट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है ना, आपका यदि लाइट ख़राब हो गया है कि आपका फ़ैन ख़राब हो गया है कि कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें ख़राब हो गए तो कोई भी फिटिंग्स वगैरह ख़राब हो गए तो इलेक्ट्रिशियन इज़ ग्रेट हेल्प टू यू। ओके, देन पेंटर, यू नो ही इज़ पेंटिंग योर डोर्स, योर वॉल्स, योर विंडोज एंड सीलिंग्स एंड मेक योर हाउस ब्यूटिफुल। ओके, देन there are other helpers also who are helping you so that you get entertained, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे helpers हैं जो आपको खुश रखने में आपकी help करते, खुशी देने में आपकी help करते,
ये जो पहले वाले हेल्पर्स थे ये तो आपको काम करके देते थे, लेकिन ये यहाँ पर जो हेल्पर्स हम पढ़ेंगे ये क्या कौन से हेल्पर्स हैं जो आपको मन में खुशी देता है, ठीक है। तो खुश आपके आपके माइंड को खुश कर देता है, तो इस टाइप के लोगों को हम एंटरटेनर हेल्पर कहते हैं, ठीक है। हु द पीपल हु एंटरटेन अस, सो दे आर द म्यूज़िक प्लेयर्स, दे आर द म्यूजिशियन। सो आप अच्छा म्यूज़िक सुनोगे म्यूजिशियन से तो भी आपका दिल खुश हो जाता है, तो आपके आपको खुश रखने में म्यूजिशियन एक बड़ा हेल्पर है। देन व्हेनेवर यू सी सम डांस परफॉर्मेंस विच आर वेरी गुड एंड इट इज़ making you happy, so the dancer is also your helper. Then a clone, जैसे जादूगर आप देखते हो, who wears then jokers who wears funny clothes and does funny acts to make people laugh, so they are also your helpers. Then the magician and jokers both are your helpers who makes people laugh. Then actor who is playing or acting in plays, movies and television programs, they are also giving you happiness. Okay, then singer is also giving you happiness. So you could see these people are making you happy. So they are also a type of helper because they keep you happy. And if you are happy, then everything you find it very good. Okay? So you can see so many helpers we have there in our surroundings who are making us happy and feel comfortable. तो आप देख सकते हो कि कितने हेल्पर्स हैं जो कि हमारे लाइफ में आते हैं और ये हमारे लाइफ को इजी, कंफर्टेबल और हैप्पी बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा है कि इस चैप्टर में दूसरे हेल्पर्स के अलावा भी बहुत और हेल्पर्स हैं जो कि हमें हमारे लिए खुश करने के लिए हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे और साथ में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नाउ सी द एक्सरसाइजेस, वी विल जस्ट गो थ्रू द एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम, कॉलम वन एंड कॉलम टू इज गिवन टू यू, जस्ट मैचेस। मैकेनिक व्हाट ही इज डूइंग, ही इज रिपेयरिंग मोटर व्हीकल्स, ओके। एक्टर यू नो व्हाट ही इज डूइंग, is acting in plays, movies and television program. Green grocer means sabji wala, what he do? He sells vegetable, isn't it? Porter makes pots with clay. Painter is painting buildings or painting the house, okay? So this is how we have to match. To aap carefully match kijiye, okay? Dekh kar, ठीक है। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेर यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको स्टेटमेंट दिए होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच हेल्पर इज हेल्पिंग यू टू डू दिस वर्क। तो आई फिक्स एंड रिपेयर टैप्स, हु इज डूइंग दिस, प्लम्बर, सो राइट डाउन प्लम्बर। देन आई ले ब्रिक्स एंड सीमेंट देम, मेसन, वी हैव ऑलरेडी लर्नड। देन I stitch and mend your shoes, कौन है, cobbler. I cut and style your hair, barber. I make doors and windows of your house, carpenter. I stitch and mend your clothes, tailor. Okay, so like this we have to identify the helpers. Then let us go to the next question where you have to write true and false. An electrician fits and repairs electric currents. He thinks, yes. Cobbler stitches and mends clothes. Cobbler or tailor? Here it should have been the word tailor. Who stitches clothes? But cobbler is stitching,
cobbler stitches and mends our shoes. So this statement is false. Okay, now let us move to the next one. Gas delivery boys delivers cooking gas to our house. Yes, true. Electrician repairs vehicle. Electrician or mechanic? Which one? Mechanic repairs vehicle. So this should be false. The next one. A clone does funny things to make people laugh. Clone means the joker who is doing funny things. Yes. So this statement is true. An actor performs magic tricks. An actor is performing or magician is performing? The answer will be here, magician. So here what is given? An actor performs magic tricks. So this will be again false. Okay. Now let us write the answer. Define helpers. Okay. So write down. Now let us write the answers for the following question. You have been given with the first question as define helpers. So write down people who help to make our lives comfortable and easy are our helpers. People who help to make our lives comfortable and easy are our helpers. Ye wala and hai, okay? AND. Now let us move to second question. Name any three helpers who helped to build our house. So first one is mason. Mason kya karta hai? Wo hamare walls ko banata hai. Brick, cement. Isse banata hai mason. Then carpenter does all the wooden work, whatever is there. Then plumber, he is helping us to build all the connections of our taps, then concerned about our water storage, etc. Okay, so you can see mason, carpenter and plumber all are helping us to build our homes. Okay, next one is how does a clone make people laugh? Clone means joker. A clone wears funny clothes and does funny acts to make people laugh. So write down the answer. Be careful in writing the spellings. Okay, now with this we end up with the chapter. We need them, so please go through the chapter and learn the question answer, whatever is there. And whenever you are writing the helper's name, please see that your spellings are right. Okay, so please go through the chapter and learn the chapter. Thank you.